उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका चैनल है सिद्दीकी अहमद के नाम से, तो उनके चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और उनके ब्लॉग भी देखा करें। बहुत दिनों से आना चाह रहे थे लेकिन फिर आपका कंग्रेचुलेशंस रजब भाई, कंग्रेचुलेशंस 1 मिलियन की बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। और दूसरी बुके जो है वो आ चुका है, बुके रेडी हो चुका है आज। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग बनने जा रहा है और वो है एक सरप्राइज ब्लॉग। वैसे तो आप लोगों को थंबनेल से आइडिया हो चुका होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। और वो ये है कि हम लोगों ने जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, काफी टाइम से कम्प्लीट हो चुका है, अब तो 3K सब्सक्राइबर्स होने लगे हैं इंशाल्लाह वेरी सून। तो एक तो 2K सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन और दूसरा रजत भाई की 1 मिलियन की सेलिब्रेशन, इन दो कामों के लिए हम काफी दिनों से उनकी तरफ जाना चाह रहे थे लेकिन हम लोग नहीं जा सके थे इस वजह से क्योंकि काफी बिजी शेड्यूल था। पीछे उनके कुछ शोक के दिन चल रहे थे और देन उसके बाद वो कराची चले गए थे। तो अभी जो है हम लोग उनकी तरफ जाने लगे हैं। मेरे ख्याल से आज रात चांद रात भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, डिपेंड करता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे साथ साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। अच्छा जी, तो अभी जो है ना हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में और सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने लेने हैं केक, 2 केक लेने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग निकले हैं, हम लोग जैसे ही पहुंचते हैं जेल रोड क्या यार वो क्या है अमन केनाल रोड पहुंचते हैं तो फिर वहां पे हम कोई बेकरी वगैरह ढूंढते हैं, लेयर्स मिल जाए या मिनी ट्रीट्स मिल जाए, जो भी मिल जाए वहां से केक वगैरह लेते हैं, बुके लेते हैं और देन उसके बाद चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। मैं भी लूंगा केक, ठीक हो गया, यान भी लेगा कुछ तो अभी उधर चलेंगे। और हाँ ठीक है, अहमद जैसे हम लोगों को जाना उधर चाहिए गुलबर्ग, पहले हम उधर से ना होके आ जाए, मतलब गुलबर्ग के बीच से निकल जाएंगे सीधा, ठीक है, क्योंकि फिर वहां से बुक के भी वहीं से मिल। चले अभी उधर पहुंचते हैं फटाफट और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी अहमद से हेलो टू माई व्लॉग, बस हेलो बोलो यान। अच्छा जी, तो अभी जो है ना हम लोग लेयर्स पहुंच गए हैं और बस यहाँ से अपने केक्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद अपनी लोकेशन की तरफ चलते हैं। एक चॉकलेट केक कर दें, नाम वगैरह लिखा नहीं हुआ उसका, क्लासिक राइटिंग भी उसके ऊपर जी, ये भाई को बता दें क्लासिक केक उसके ऊपर राइटिंग है या डेरी मिल्क क्लासिक पे हैप्पी 1 मिलियन लिखे, हैप्पी 1 मिलियन लिखा है, हैप्पी लिखवा दो खाली 1 मिलियन खाली, ऊपर 1M लिखते ना नीचे सब्सक्राइबर्स, नीचे सब्सक्राइबर्स S चार नहीं होंगे। अच्छा जी, तो केक वगैरह हम लोग ले चुके हैं जो कि हमें बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि हम जो भी केक पूछ रहे थे ना वो उनके पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। तो खैर हमने फाइनली 2 केक ले लिए हैं, उन पर लिखवा लिया जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अब जो है हमारी लास्ट चीज रह गई है जो कि है बुके, और अब हम चलते हैं यहाँ पे ही पास ही उस साइड पे जाना है,
पास ही ना बुके वाली वो है मार्केट है, पूरी फ्लावर मार्केट है। तो अभी हम यहाँ से प्यारा सा बुके बनवाते हैं और देन उसके बाद जो है ना हम रजत भाई के घर चलते हैं और उधर पहुंच के फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बुके दिखा दूँ, तो बुके के बाद फिर आगे का व्लॉग वहाँ जाके करेंगे। अब अल्लाह करे ये वाला अच्छा लग जाए, मंगवाया तो है, लेट्स सी कैसा बनता है ये वाला। दिखाए हाँ ठीक है, इसकी प्राइस क्या है? अच्छा देना कितने का? भैया ब्लॉसम की बात ना ना करें, हम इसीलिए तो इधर आए, हम ब्लॉसम नहीं आए। नहीं नहीं बहुत महंगा दे रहे हैं जी। वो अहमद गए हुए हैं खैर बुके बनवाने, चेक कर सनत सीन चेक कर, ऐसे लग रहा है जैसे अहमद उसको दिलवा रहा है बुके है ना। अहमद का गुस्सा चेक कर कितना ज्यादा चढ़ा हुआ है। अच्छा खैर जो है ना हमारा बुके जो है बदल गया है, मतलब हम लोगों ने अब खुद कस्टमाइज करवाया क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब हम लोग रोजेस का जो बुके है उसको कस्टमाइज करवा रहे हैं। जैसे अहमद लेके आते हैं मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ और इसके बाद चलते हैं हम अपने लोकेशन पे फटाफट से पहुंचते हैं क्योंकि अफतारी का टाइम होने वाला है। हमने कही अफतारी भी बाहर करनी है, ये ना हो लास्ट टाइम की तरह हमारी अफतारी भी रजत भाई के घर ही हो जाए। तो बस अब आप वहाँ जाके आप लोगों को समझते हैं। ये हमारा बुके जो है वो आ चुका है, बुके रेडी हो चुका है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा जितने मर्जी फ्लावर्स हो इम्पोर्टेड, रोजेज आर रोजेज, जो लुक रोजेज से निकलते हैं वो किसी चीज से नहीं निकलते। ये हमारे फ्लावर्स हैं, ये हमारा केक है और वो रजत भाई का घर है। और अभी जो है ना हम लोग पहुंच चुके हैं, पता नहीं क्यों हर दफा आके तो कुछ ना कुछ होने लग जाता दिल को कि ऐसे पता नहीं डर लग रहा होता है किसी ने मार कुटाई कर देनी है पकड़ के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। अभी हम चलते हैं, चल के पहले तो उनको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की मुबारकबाद देते हैं और फिर अपना 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने का शुक्रिया अदा करते हैं और केक कट करते हैं। सो चलें चलते हैं। अच्छा जी अभी जो है ना हम लोग दोबारा गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि उनके कोई गेस्ट वगैरह आ जाए हुए हैं, तो हमें गार्ड ने बोला कि अफतारी के बाद अगर आप लोग आते हैं तो रजत भाई आप लोगों को टाइम दे देंगे। तो खैर हमने कहा चले हमने भी अफतारी बाहर ही करनी थी, टाइम भी थोड़ा ही रह गया, 6 मेरे ख्याल से बच चुके हैं। अभी हम लोग चलते हैं और पहुंचते हैं अल खान से, हम लोगों ने आज अफतारी करनी है, लेट्स सी उनका बुफे है या नहीं है, क्या सिस्टम है। चलते हैं, चल के अफतारी करते हैं और देन उसके बाद हम लोग आके अपना केक कटिंग सेलिब्रेशन करते हैं जो भी हमने करनी है अगर तो हमें रजत भाई मिल जाते हैं तो लेट्स गो। अच्छा जी अभी जो है ना हम लोग अल खान पहुंच गए हैं और तकरीबन 6:24 हो गए हैं, तो रोज़ा अफतार होने ही वाला है। तो बस अब जल्दी से हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, मैं आप लोगों को अब जैसे ही खाना आता है तो एक बार मैं आप लोगों को ओवरऑल दिखा दूंगी। और अभी पहले रोज़ा खोलेंगे जिसके लिए इन लोगों ने हमको थोड़ा सा ये शश के वो दिए हैं, थोड़े से क्या बोलते हैं यार पकौड़े शकौड़े सैलड वगैरह और जामे शीरे वगैरह थोड़ा सा सर्व किया और देन उसके बाद हमारा ऑर्डर आता है, तो एक बार मैं आप लोगों को ओवरऑल ऑर्डर दिखाती हूँ और फिर हम लोग जो है ना चलते हैं, चल के जो काम करने मेन आया ना उस काम को जाके सर अंजाम देते हैं। भूख लगी हुई थी तो सबसे पहले ना ये चिकन स्ट्रिप्स आए थे जो कि अयान ने मंगवाए थे, वो खा रहा है बैठ के। हमारे मार्गरेटा सर्व हो चुके हैं और यहाँ पे अहमद भी खा रहे हैं। स्टार्टर में यही था, हमारे चिकन स्ट्रिप्स थे और साथ इनके फ्राइज थे और बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। स्ट्रिप्स तो बहुत मज़े की लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है। बाकी हमारा मेन कोर्स आ गया आप लोगों को जी, मेरी चाइनीज़ मील आई है ठीक है, और ये साथ हमारी कढ़ाई है और साथ ही 2 कबाब हैं। ये एक एक्चुअली मील थी जिसमें रायता सलाद 1/2 kg कढ़ाई 2 कबाब और नान शान ये सब चीज़ें थी। तो अभी जो है ना हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद हम अपने मेन मकसद की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी खाना हमने खा लिया, अब हम जो है ना जाने लगे हैं वापस रजत भाई की तरफ। तो अभी बैठते हैं गाड़ी में फटाफट से और निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 7 बज चुके हैं। पहले बैठ जाएं। यस तो अभी ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, तो 7 से ऊपर टाइम हो चुका है ना। हाँ 8 बजे हमें पता चला था कि उन्होंने चले जाना है, तो ये ना हो हम लोग लेट हो जाएं इस वजह से जो है ना। अब हम फटाफट से चलते हैं और चल के अपना केक कट करते हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ को भी चलते हैं क्योंकि रात हो रही है और अभी जो है अनाउंसमेंट भी होने वाली है। मतलब आपको न्यूज़ देखनी चाहिए कि आया सुबह ईद है या नहीं है जी, रात लेट नाइट पता चलेगा। वैसे वो मगरिब की नमाज के बाद बैठ जाते हैं देखने के लिए रोए थे हलाल कमेटी वाले। देखो अब क्या बनता है, उम्मीद है कि कल ईद ना ही हो, मैं तो चाह रहा हूं एक रोजा और हो। ओह माय गॉड अहमद के पूरे के पूरे रोजे गए हैं। अहमद कांग्रेचुलेशन। नूर तो कोई नजर आ नहीं रहा मुंह पे, नूर नहीं होता कोई भी। अच्छा नूर वाली बातें हैं, वही लोगों की अपनी बनाई बातें। सही हो गया, अहमद से थोड़े दर्स ले लें। ओके हबशी भी तो मुसलमान है, वो भी नमाजे पढ़ते हैं, तो उनका नूर नहीं कभी देखा हमने। यस ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन 1 मिलियन की बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो और दूसरा ये कि मेरे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं उसके लिए आपके साथ छोटी सी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आई थी।
पहले हम लोग का किला आया था, फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड आए हैं आपसे मिलने के लिए। हम लोग ना अफ्तारी से पहले आए थे, तो फिर हमें बताया था आप अफ्तारी के बाद आ जाएगा। हाँ जी, फिर हमने कहा चले हमने भी अफ्तारी बाहर करनी है तो हम भी घर करके आ जाते हैं। ये बहुत शाई पर्सन है, बहुत ज्यादा शाई पर्सन है। अल्हम्दुलिल्लाह। कंग्रेचुलेशन रजब भाई, हम लोग बहुत दिनों से आना चाह रहे थे लेकिन फिर आप कराची चले गए थे और पीछे वो मौला अली का भी था थोड़ा सा, तो इस वजह से हम नहीं आ सके थे। अस्सलाम वालेकुम जी रजब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका चैनल है सिदगा अहमद के नाम से, तो उनके चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और उनके व्लॉग भी देखें। बहुत शुक्रिया एडवांस में आपको, ईद मुबारक। अच्छा जी, तो फाइनली केक कट हो गया। उनके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, माजी के भाई और भाभी आए हुए थे, इफ्तारी भी थी और माजी की ईद भी लेके आए थे। इस वजह से जो था ना, हम लोग को बहुत थोड़ा सा छोटू सा टाइम मिला है रजत भाई के साथ, लेकिन वो भी बहुत प्रीशियस है, वो भी बहुत कीमती है। तो अभी हम लोग ने अपना केक तो काट लिया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। चलते हैं फिर गाड़ी में बैठते हैं फटाफट, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा जी, तो घर हम लोग पहुंच चुके हैं और घर आते ही हम लोग को खुशखबरी मिली है, और खुशखबरी ये है कि ईद का चांद, शवाल का चांद नजर आ चुका है। तो आप सब लोगों को और आपके घर वालों को मेरी तरफ से चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे घर वालों को और मेरे बच्चों को ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी जो है हम लोग 1 मिलियन सेलिब्रेशन, 2K सेलिब्रेशन करके घर आ चुके हैं। यहाँ पे ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम है और फ्रेश होने का टाइम है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।